एट नंबर यहाँ पर देखिए क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई जीरो वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड जेड वाई स्क्वायर जीरो। अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं टेकिंग आउट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए आप इसमें से एक्स निकालो, इसमें से वाई निकालो, इसमें से जेड निकालो, तो क्या हो जाएगा यहां, जीरो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जीरो जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जीरो। और फिर यहां से बाहर निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं टेकिंग आउट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री रेस्पेक्टिवली, तो क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकलेगा, तो यहाँ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, है ना, जीरो वन 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 जीरो वन 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 जीरो, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या करें, आर वन करो इस बार, चलो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इंटू में, देखिए इसको लेंगे ये माइनस में होता है, ये जीरो लेकर तो छोड़ देंगे, ये रहो ये कॉलम हटेगा, वन 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 जीरो, ये प्लस में होता है, ये रहो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू वन जीरो वन वन, ठीक है। चलिए यहाँ पर है आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ माइनस वन इंटू में जीरो माइनस वन, वन इंटू में वन माइनस जीरो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ देखिए माइनस में प्लस का वन हो जाएगा और यहाँ भी प्लस का वन, वन वन टू आ जाएगा, यानी कि टू इंटू में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इसका वैल्यू हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।